आज हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो पॉलिनेशन है क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है? तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है? पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? एंथर से हो रहा है। किस पे हो रहा है? स्टिग्मा पे हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर हो सकता है, दो डिफरेंट फ्लावर के अंदर हो सकता है, ठीक है? तो अब ये जो पॉलिनेशन है, ये इसको दो टाइप में बांटा गया, इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। एक सेल्फ पॉलिनेशन है, पहला जो है सेल्फ पॉलिनेशन है, दूसरा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। पहला जो है सेल्फ पॉलिनेशन है, दूसरा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली होता क्या है? जब कभी ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन और एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर के अंदर भी क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है? यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन है क्या? इसको इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं ऑटोगैमी और दूसरे को बोलते हैं गेटनोगैमी। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा क्या होता है? गेटनोगैमी, ठीक है? ऑटोगैमी क्या होता है? जब ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर हो रहा है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। जब ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर है? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर। यानी एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, और उसी फ्लावर में क्या हो रहा है? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जा रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन का कौन सा टाइप होता है? ये ऑटोगैमी होता है। और बेसिकली ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यानी बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या कौन से फ्लावर होते हैं? जिनमें कि मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट बोथ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट, ठीक है? अब गेटनोगैमी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, एंथर से स्टिग्मा में होगा, दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा, बट सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या होता है? दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या होता है? पॉलिनेशन ट्रांसफर होता है। किसका? पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गेटनोगैमी। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी किसका ट्रांसफर? जाहिर सी बात है, पॉलिनेशन हो रहा है तो ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर, यानी कि दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा, बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर, बट या फिर बट लिख सकते हो, या फिर ऑफ सेम प्लांट। यानी एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांसफर आ रहा है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के बीच में, उसको हम क्या बोले? गेटनोगैमी। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो रहा था? सेल्फ पॉलिनेशन का कलेक्टिवली हम बोले तो क्या होता है? एक ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा और इन अ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में होगा तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा लेकिन प्लांट सेम होगा तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। जब एक ही फ्लावर के अंदर होगा तो उसको हम ऑटोगैमी बोलेंगे। दो डिफरेंट फ्लावर के अंदर होगा लेकिन सेम प्लांट के बीच में होगा तो वो क्या कहलाएगा? गेटनोगैमी कहलाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, इसको और भी नाम से जानते हैं, इसको जीनोगैमी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है? एलोगैमी बोल सकते हैं, ठीक है? तो क्रॉस पॉलिनेशन एग्जैक्टली है क्या? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें भी क्या होगा? ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, जो कि बन रहा था किसके अंदर बन रहा था? एंथर के अंदर बन रहा था। और कहाँ हो रहा है? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर, और कहाँ पे होगा? स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या होगा? ये स्टिग्मा ऊपर जाके डस्ट हिट कर जाता है, ठीक? अब क्या होता है कि जब ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन टू डिफरेंट दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा, दो डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कि दो डिफरेंट फ्लावर भी होंगे, दो डिफरेंट प्लांट भी होंगे, बट लेकिन
सेम स्पीसीज, बट सेम स्पीसीज होना मस्ट है। यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें क्या होगा कि जो ट्रांसफर एंथर का स्टिग्मा के बीच में दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में होगा और दो डिफरेंट प्लांट के बीच में होगा, बट वो प्लांट किससे होने चाहिए, सेम स्पीसीज के होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक। अब क्या होते हैं कुछ क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, पॉलन के ट्रांसफर हो रहा है दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में हो रहा है। तो इसको ट्रांसफर, पॉलन को ट्रांसफर करने में हेल्प कौन करता है, कुछ एजेंसीज हेल्प करती हैं इसको ट्रांसफर करने में। तो उनको जैसे कि वाटर, वाटर हेल्प करता है पॉलन को ट्रांसफर करने में। तो जब वाटर हेल्प कर रहा होता है पॉलिनेशन में तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉलिनेशन बोलते हैं। और एक टर्म दिया गया हाइड्रोफिली, आप एक हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। या तो वाटर पॉलिनेशन बोलते हैं या तो हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। विंड भी क्या होता है, करता है ट्रांसफर करता है पॉलिनेशन में, तो उसको एनेमोफिली बोलते हैं। इंसेक्ट भी ट्रांसफर पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। बर्ड भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं, फिली बोलते हैं। स्नेल्स भी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, मेलकोफिली बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, मेलकोफिली बोलते हैं, ठीक है। एंट्स भी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरमेकोफिली बोलते हैं, ठीक है। बैट्स भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, बैट्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, काई रेप्टेरोफिली बोलते हैं। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो हेल्प कर रहे हैं, जो एजेंसी हेल्प कर रही है पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो हेल्प कर रही है, उसमें विंड, वाटर भी हेल्प करता है, विंड भी है, इंसेक्ट है, बर्ड है, स्नेल्स है, एंट है, बैट्स है, इवन मैमल्स, जब मैमल्स पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं तो उसको हम जूफिली बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं।